हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों, हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग एक स्पेस बना लेता है, जहाँ तक वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। बस ये समझ लो कि चार्ज की जहाँ तक हुकूमत चलने वाली है, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक टर्म का यूज़ करते थे, जिसका नाम था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते थे। एस आई यूनिट थी न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। हमने किसी सिंगल चार्ज की वजह से, कोई भी सिंगल चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। बेटा, सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने जान तो बेटा लिया है, अब इसके ऊपर हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस हम लोगों से कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 99% न्यूमेरिकल्स का ही काम है, यानी क्वेश्चंस का ही काम है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी बाकी हैं। ठीक है, आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाकर चल रहा हूँ, बस वैसे ही आप लोग अच्छे तरीके से, ईमानदारी से पढ़कर चलें। जो क्लासरूम के अंदर हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से ना आता हो। बेटा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से आता हो, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर छोड़कर कुछ भी नहीं चल रहा हूँ। ना बोर्ड के लिए मैं आपके ऊपर छोड़कर चल रहा हूँ, ना नीट के लिए, ना मेंस के लिए, ना एडवांस के लिए। मैं हर एक चीज़ अपनी तरफ से आपको बताकर चल रहा हूँ, तो मैं इतनी उम्मीद तो भाई आपसे कर ही सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझें, वो अच्छे तरीके से करें, जो भी डाउट आए वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ फ्री होकर मुझसे क्लियर करें। ठीक है, और अपना होमवर्क यार अच्छे तरीके से भेजो। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि इस फिज़िक्स क्लास को हम आपके लिए फ़ायदेमंद बनाएं, तो जितनी इम्पॉर्टेंट रोल हमारा है, यानी एक टीचर का है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल स्टूडेंट का भी है। हम तो आपके पास में कॉल कर रहे हैं, आप कभी कभी हमारे कॉल को रिसीव ही नहीं करते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, या होमवर्क पुराना भेज देते हैं। बेटा, ऐसा मत करो। आप अगर देखो, इतना होमवर्क तो हम आपको देते हैं नहीं कि भाई आपको कोई 50-60 पेज करने हैं या 100-200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यार, 5-6 क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं और वही हम आपसे कहते हैं कि बेटा रिपीट करके हमें सेंड कर दो वही क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति है, ये बहुत बेकार बात है, मतलब अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो, उन्हें सही तरीके से काम करना सीखो। ठीक है, तो बेटा अच्छे तरीके से काम करो। इतना बड़ा होमवर्क हम आपको नहीं दे रहे हैं। जब आपके पास में कॉल आती है तो कॉल को रिसीव करो, अपने लेक्चर्स को समय पर देखो और बिल्कुल डाउट पूछने के लिए फ्री फील करो। कभी भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 24/7 हम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस ये समझ लीजिए कि हयात का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों के लिए यही है कि हम एवरी टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप अपना डाउट सेंड करिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ए पार्ट जो आपको दे रखा है, एक चार्ज रखा है यहां पर। ठीक है बेटा, एक चार्ज रखा है यहां पर, एक चार्ज रखा है यहां पर। इन तीनों की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको ये बताना है। इन तीनों की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको ये बताना है। चलिए बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तीनों की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बनेगा। सबसे पहले हम पहले चार्ज को उठाते हैं बेटा। चार्ज है पॉजिटिव, जो सबसे पहला चार्ज है हमारा वो पॉजिटिव है। जब इस पॉजिटिव की वजह से, इन दोनों को भूल जाओ आप एक मिनट के लिए, बस इस पर ध्यान दो और इस पर ध्यान दो।
किसकी वजह से निकालना है और किस पर निकालना है, सिर्फ इस बात पर ध्यान दो। पॉजिटिव चार्ज है, जब इसकी वजह से यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन जाएगी इस तरफ और हमने इसे नाम दे दिया E1। पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव से इस तरफ जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा अब इस पर आ जाइए, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इसकी भी इसी तरफ जाएगी, ये कहलाएगा E2। बात समझ में आ रही है? अब तीसरे वाले पर आ जाइए, ये कैसा है? नेगेटिव। जब इसकी वजह से, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, पॉजिटिव की वजह से दूर जाते हुए, पॉजिटिव की वजह से दूर जाते हुए नेगेटिव की वजह से एरो का साइन पास आते हुए, यानी E1 और E2 तो जा रहे हैं इधर और E3 जा रहा है इधर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम और इसकी डायरेक्शन अपोजिट, तो हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और माइनस E3। इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, हमने इसे माइनस कर दिया। अब देखो E1 कितना होगा, E1 किसकी वजह से है? E1 इसकी वजह से है। E1 को हम लिखेंगे 1/4πε0। चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है 9q, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? d, तो ये हो गया 3d का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में E1। फिर काहे का साइन है? प्लस E2। अब E2 इसकी वजह से है, E2 इसकी वजह से वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम है E2। आइए देखते हैं कि E2 कितना होगा। 1/4πε0। चार्ज कितना है? 4q। इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करता है बेटा, एक तो चार्ज पर और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पर, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ से लेकर चार्ज के बीच की डिस्टेंस पर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डी और ये डी, तो ये हो गया 2d का होल स्क्वायर। अब आते हैं E3 पर, माइनस 1/4πε0। चार्ज कितना है? क्यू। आपको पता है कि चार्ज को नेगेटिव नहीं लेना है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई D2। ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3। इन दोनों को इसलिए जोड़ा क्योंकि इनकी डायरेक्शन है इधर, और E3 को इसलिए माइनस किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन है इधर। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ रहे होंगे। अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है ना उसे कॉमन ले लो, एक तो क्यू कॉमन आ जाएगा और एक D2 कॉमन आ जाएगा, एक 4πε0 कॉमन आ जाएगा। बेटा कॉमन आ गया हमारे पास में ये q/4πε0d2। एक तो बचा यहाँ पर ऊपर 9, नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है। ऊपर बचा हमारे पास में 4, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस यहाँ बचा हमारे पास में 1, इससे ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। सो करेक्ट आंसर इज q/4πε0d2। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास में वो इतना होगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा, क्वेश्चन ज़रूर नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर और ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव से दूर जाते हुए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पास आते हुए क्योंकि ये चार्ज है नेगेटिव, तो दो हो गए इधर और एक हो गया इधर। जो दो इधर है उन दोनों को हमने जोड़ दिया और जो एक इधर है उसे हमने माइनस कर दिया और सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास में। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बेटा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला सवाल देखिए हमारे पास में क्या है। देखो बेटा, बी पार्ट जो हमें दे रखा है वो ये है। बी पार्ट ये है, एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ, ये है प्लस के 3q, और एक चार्ज है हमारे पास में यहाँ, ये है माइनस के 4q। इन दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा, इन दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा। भाई चार्ज के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इसका यहाँ भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बन रहा होगा, और इसकी वजह से भी यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बन रहा होगा। चलिए देखते हैं, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये पॉइंट है पी, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया E1। बात समझ में आई बेटा? पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया E1। ये कैसा है, नेगेटिव। जब इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, और मैंने इसे मान लिया E2। अब आप देखो, E1 जा रहा है इधर, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव से दूर जाते हुए नीचे की तरफ, और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेगेटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एरो का साइन नेगेटिव की तरफ जाते हुए यानी इस तरफ। एक हो गया हमारे पास में E1 और एक हो गया हमारे पास में E2, और दोनों के जो बीच का एंगल आपको दे रखा है बेटा, यह है 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट जाएगा बीच में। E1 ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ चार्ज 3q है और यहाँ चार्ज 4q है, इसीलिए मैंने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड माने हैं। रिजल्टेंट देखते हैं कितना होगा। बेटा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है अंडर रूट E1 square plus E2 square plus 2E1E2 cos थीटा, और थीटा की जगह आएगा 90 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल E1 और E2 के बीच में पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। सबसे पहले तो डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव की वजह से नीचे की तरफ और नेगेटिव की वजह से इस तरफ, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों के बीच बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट जाएगा बीच में, तो ये हो गई हमारे पास में वैल्यू। अब आप देखिए बेटा, कॉस 90 होता है 0, तो 0 की वजह से ये पूरा टर्म हो गया 0 हमारे पास में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अपने पास में अंडर रूट E1 square plus E2 square। ये हमारे पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आइए देखते हैं कि E1 कितना होगा। E1 बेटा E1 होगा 1/4πε₀। E1 इसकी वजह से है ना, 1/4πε₀। चार्ज कितना है, 3q, ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी, तो नीचे हो गया D2। ये हो गई E1 की वैल्यू। अब निकालते हैं E2, इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। E2 देखते हैं कितना होगा। E2 होगा 1/4πε₀, चार्ज हो गया 4q। देखो चार्ज है हमारे पास में 4q, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है डी, तो नीचे हो गया अपने पास में D2। ये हो गई है बेटा हमारे पास में E1 की वैल्यू, और ये हो गई है E2 की वैल्यू। एक हो गया है E1, एक हो गया है E2, इन दोनों को उठाओ और यहाँ पुट कर दो। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जब इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4πε₀ 3q/D2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε₀ 4q/D2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए देखते हैं कि कॉमन निकलकर क्या आएगा हमारे पास में। देखो बेटा, एक तो 1/4πε₀ बाहर आ जाएगा, एक q बाहर आ जाएगा, एक D2 बाहर आ जाएगा,
थ्री स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा स्क्वायर नाइन, ये हो गया नाइन। फोर का स्क्वायर करेंगे सिक्सटीन, नाइन और सिक्सटीन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट हो जाएगा फाइव। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा इतना हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। तो आपको दो बातें बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या क्या है, पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन नीचे ऐसे, जब इस प्लस की वजह से यहाँ निकालेंगे ना तो प्लस से दूर जाती हुई नीचे की तरफ, और जब माइनस की वजह से निकालेंगे तो माइनस की तरफ जाती हुई, दोनों के बीच बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट जाएगा बीच में, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये, वैल्यूज़ को पुट किया आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, उम्मीद करेंगे कि समझ आई हो आप लोगों को बात, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये। चलो भैया देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहाँ निकालना है बेटा, यहाँ हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यहाँ निकालना है। एक चार्ज हमें यहाँ दे रखा है प्लस क्यू, और एक चार्ज हमें यहाँ दे रखा है प्लस क्यू, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, यानी ये साइड भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती है तो आप सभी जानते हैं कि उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। बताइए होगा या नहीं होगा, ये सारे एंगल 60 डिग्री होने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। भाई ये एंगल हो गया मेरे पास में 60 डिग्री, ये भी है प्लस और ये भी है प्लस, जब इस प्लस की वजह से यहां निकालेंगे तो वैल्यू जाएगी इधर ई, ई क्यों कहा अभी समझ जाओगे आप। जब इसकी वजह से यहां निकालेंगे ये भी है प्लस, तो इसकी वैल्यू जाएगी इधर, ये भी कहलाएगा ई, ये अगर 60 है तो ये भी बन गया 60 हमारे पास में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर वन चार्ज, यहां भी क्यू और यहां भी क्यू, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी डी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी डी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही दो फैक्टर के ऊपर कर रहा है, फॉर्मूले में आपने देखा 1/4πε0 तो कॉन्स्टेंट है, उसके अलावा क्या बचा, एक तो बचा चार्ज और एक बची डिस्टेंस, यहाँ जितना चार्ज यहाँ है उतनी ही चार्ज यहाँ है, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया सेम, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। अब मैंने कितनी बार आपको पढ़ा लिया इधर भी ई है और इधर भी ई है और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा कि अगर दो सेम वैक्टर के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट उनके बीच में जाएगा और वो रिजल्टेंट कहलाएगा अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ ई। याद करिए अगर दो सेम वेक्टर के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास में अंडर रूट थ्री ई। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E कहलाएगा, किसी भी एक का, तो E की वैल्यू बन जाएगी 1/4πε0। क्या तो इसकी वजह से निकाल दो या इसकी वजह से निकाल दो, क्योंकि दोनों की वजह से E E है, E की वैल्यू बन जाएगी ये 1/4πε0 q/d², यहां से वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री 1/4πε0 q/d². लो बेटा ये बनेगा हमारा आंसर,
यानी यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ना, यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इन दोनों की वजह से वो इतना होने वाला है, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल, दोनों की वैल्यू सेम क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, 60 डिग्री एंगल और दोनों सेम, तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में और वो कहलाएगा अंडर रूट 3E, और E की वैल्यू है ये, किसी भी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, ऐसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात और कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक ना हो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बेटा। लो भैया मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास में, ये आपके पास में है एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की खास बात ये है कि अगर ये डिस्टेंस आपको डी दे रखी है, ये डिस्टेंस अगर आपको डी दे रखी है तो ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी बेटा, ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी, ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी, ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी, ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी और ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी। समझ आ गई बात, चलिए निकालते हैं। देखो बात सुनो, सबसे पहले इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने फोर्स में किया था। जब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एरो जाएगा इधर, और जब इस प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे तो एरो इधर, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। बोलो समझ आया या नहीं आया, एक के इलेक्ट्रिक फील्ड ने दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, और यहाँ नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होती है नेगेटिव की तरफ, यहाँ भी माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू, इसके इफेक्ट ने इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, चार्ज भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके इफेक्ट ने इसे कैंसिल आउट कर दिया और इसके इफेक्ट ने इसे कैंसिल आउट कर दिया बेटा, ठीक है। अब हमारे पास में बचते हैं सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज, एक ये और एक ये। चलिए अब पहले हम निकालते हैं इसकी वजह से, जब माइनस के 3Q की वजह से हम यहाँ निकालेंगे तो डायरेक्शन आएगी माइनस की तरफ, यानी इधर, हमने इसे नाम दे दिया E1। जब इस माइनस के 3Q की वजह से यहाँ निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर जाएगी, ओके। और ये कैसा चार्ज है, प्लस के 2Q, जब इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन इधर जाएगी, ये हो गया हमारे पास में E2। देखो प्लस की डायरेक्शन इधर और माइनस की वजह से डायरेक्शन भी इधर, इस माइनस की डायरेक्शन भी इधर और प्लस की डायरेक्शन भी इधर, यहाँ दोनों की डायरेक्शन कैंसिल आउट नहीं कर रही है एक दूसरे को, दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड में जा रही है। जब एक ही साइड में जा रही है तो दोनों को ऐड कर देंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास में E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई, इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे, इसने इसे कैंसिल आउट कर दिया, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से इधर बाहर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए, माइनस की वजह से माइनस की तरफ और प्लस की वजह से प्लस से दूर जाते हुए दोनों इधर ही चले गए, दोनों की डायरेक्शन सेम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, E1 को लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज है 3Q और डिस्टेंस है D2, और E2 को लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज है 2Q, डिस्टेंस है D2, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1/4πε0, चार्ज हो गया 5Q और डिस्टेंस हो गई D2,
दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये होगा बेटा हमारे पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा और कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई हो यहाँ तक आप लोगों को, कोई परेशानी ना हो. ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे. वीडियो को पॉज करके हर एक टर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है बेटा, हर एक टर्म को. चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बना. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द चार्जेस ईच क्यू आर प्लेस्ड एट एक्स इज इक्वल टू आर 2R, 4R, डैश 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 इनफाइनाइट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन. दो पार्ट है इसके अंदर. पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे. ये वाला पॉइंट है हमारे पास में x बराबर 0, हमने इसे नाम दिया है ओरिजिन. ठीक है बेटा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है x इज इक्वल टू आर. इस पॉइंट को हमने नाम दिया है x इज इक्वल टू 2R. ये हो गया x इज इक्वल टू 4R और ये हो गया डैश 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 इन्फिनिटी. ठीक है, एक चार्ज हमारे पास में रखा है यहाँ प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ प्लस क्यू, एक चार्ज रखा है यहाँ प्लस क्यू, डैश 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 इनफाइनाइट तक रखे हैं. इन सब की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको ये बताना है बेटा. इन सब की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको ये बताना है. बहुत आसान बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से बता देंगे. चलो बताते हैं, देखो किस तरीके से बताएंगे. जब इस प्लस क्यू की वजह से, पहले एक चार्ज को पकड़ लो, जब इस प्लस क्यू की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर. हमने इसे नाम दे दिया E1. प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हमने इसे नाम दे दिया E1. ओके, इस प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन जाएगी इधर, हमने इसे नाम दे दिया E2. इस प्लस की वजह से यहाँ निकालना है तो प्लस की वजह से डायरेक्शन दूर जाती है, उसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर होगी, हमने इसे नाम दे दिया E3. देखो सबकी वजह से, क्योंकि सारे के सारे प्लस हैं तो सबकी वजह से डायरेक्शन इधर जाने वाली है बेटा, इधर. तो हम लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट. पहले देखो कि इतना समझ में आप लोगों को आया या नहीं आया. बहुत सारे चार्जेस हमारे यहां रखे हैं, इस प्लस क्यू की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन इधर, इस प्लस की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन इधर, इस प्लस की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन इधर. अब यहां बात खत्म नहीं होती है, ऐसे ऐसे चार्जेस इनफाइनाइट तक रखे हैं, यानी सबकी वजह से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालोगे सबकी डायरेक्शन इधर आएगी बेटा. अब देखो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R2. E1 इसकी वजह से है ना, तो चार्ज तो हो गया क्यू और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई आर. E2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 चार्ज हो गया क्यू और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस हो गई 2R. उसके बाद 1/4πε0 चार्ज हो गया क्यू, डिस्टेंस हो गई 4R, 4R का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट. इसकी वजह से यहां निकाला ये वैल्यू, इसकी वजह से यहां निकाला ये वैल्यू, इसकी वजह से यहां निकाला ये वैल्यू. अब आप देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा क्यू, 4πε0R2, ये कॉमन आ गया तीनों से, आ गया ना तीनों से कॉमन. यहां बचा हमारे पास में 1, 2 का स्क्वायर करेंगे,
यहाँ बचा 1/4, 4 का स्क्वायर करेंगे 1/16। देखो ये हमारी जीपी सीरीज़ बन गई बेटा, जीपी सीरीज़, ये हमारी जीपी सीरीज़ बन गई इनफाइनाइट तक जीपी सीरीज़। और याद करिए इनफाइनाइट तक जीपी सीरीज़ का सम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ a की वैल्यू है 1, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू हो गई 1, और जो r है हमारे पास में r वो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा आपके पास में। a हो गया है हमारे पास में 1 और r हो गया है हमारे पास में 1/4। इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखो, ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4, हमारे पास में आ जाएगा बेटा 4/3। यानी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 4/3 का आंसर आएगा। इस पूरे ब्रैकेट की जगह 4/3 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। अब चूंकि जीपी सीरीज का सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले हमने डायग्राम बना दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सबकी डायरेक्शन सेम जोड़ दिया इनफाइनाइट तक, सबकी वैल्यूज़ को रखा, ऊपर चार्ज रखा, नीचे डिस्टेंस रखी, जो भी कॉमन आ सकता था वो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में देखा कि जीपी सीरीज़ बन गई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे पता लगाओगे कि ये जीपी सीरीज़ है। सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करो, 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/4 ही आएगा, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करोगे तब भी 1/4 आएगा। तो ये जीपी सीरीज है और जीपी सीरीज के सम निकालने का फॉर्मूला है ये। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी 1 और आर का मतलब है कॉमन रेशो यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू 1/4। फॉर्मूले में रखा ये आंसर आ गया। इस ब्रैकेट की जगह 4/3 रखकर सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा बेटा हमारा। ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और कोई प्रॉब्लम यहां तक ना हो, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या हम लोगों को दे रखा है, आप जरा देखिए जो इसका बी पार्ट हम लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है। भाई बी पार्ट में हमें ये कहा कि रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम जस्ट अभी हमने सॉल्व की है उसी प्रॉब्लम को हमें रिपीट करना है, लेकिन सेकंड, फोर्थ, सिक्स चार्जेस जो है वो नेगेटिव है। यानी बी पार्ट में ना कुछ ऐसा हमसे कह रखा है कि ये पॉइंट है हमारे पास में x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू r, ये है x इज इक्वल टू 2r, यह है x इज इक्वल टू 4r --, इनफाइनाइट। इस बार बेटा हुआ क्या, पहला चार्ज हो गया पॉजिटिव प्लस q, दूसरा चार्ज हो गया नेगेटिव, फिर तीसरा चार्ज हो गया पॉजिटिव। ये कंडीशन है। जैसे मैंने आपको फोर्स में भी एक क्वेश्चन ऐसे कराया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन बन गई। जब इस पॉजिटिव की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन इधर E1, नेगेटिव की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ E2, पॉजिटिव की वजह से यहां निकालेंगे डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जाते हुए, ये हो गया E3। हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखो E1 और E3 तो जा रहा है इधर और E2 जा रहा है इधर, तो हम एक काम करेंगे E1 माइनस के E2 प्लस के E3 प्लस --, इनफाइनाइट, ऐसा हम लिख देंगे। E1 इधर गया, हमने प्लस ले लिया इसे, E2 इधर गया, हमने उसे माइनस ले लिया, फिर E3 इधर गया, हमने फिर उसे प्लस ले लिया, इससे ज़्यादा हमने दिखाया नहीं --, इन्फिनिटी। अब आप देखिए बेटा E1 को आप क्या लिखोगे, 1/4 πε0 q/r² माइनस 1/4 πε0 q/2r² प्लस 1/4 πε0 q/4r² प्लस --, इनफाइनाइट।
ये बन गया हमारा रिजल्ट बेटा, वही वैल्यूज हमने रखी। जब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो चार्ज ये रखा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रखी। जब इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो चार्ज ये रखा और ये डिस्टेंस रखी। जब इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो ये चार्ज रखा और ये डिस्टेंस रखी और सेट कर दिया हमने। अब आप देखिए कि कॉमन क्या आया निकल कर, क्यू कॉमन आया, 4πε0 कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आया। यहाँ बच गया हमारे पास में 1, यहाँ बचा हमारे पास में माइनस के 1/4, ये है प्लस के 1/16, डैश 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 इन्फिनिटी। अब देखो यार, इसे सॉल्व करने का तरीका वही है, मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद सॉल्व करिए। a अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है माइनस के 1/4। a हो गया 1 और r का मतलब है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सॉल्व करके यहाँ रख देंगे, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चन बनाना है बेटा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ आई हो पूरी बात अच्छे तरीके से और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना हो। ठीक है बेटा, ऐसे बनानी है आपको प्रॉब्लम, कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन सेट करेंगे। तो देखो, इनफाइनाइट की प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, फिर प्लस की वजह से इधर, फिर अगले वाला माइनस आएगा हालांकि दिखा नहीं रखा है, फिर उसकी वजह से इधर जाएगा। जो इधर जा रहा है उसे हमने ले लिया पॉजिटिव और जो इधर जा रहा है उसे हमने ले लिया नेगेटिव। E1 प्लस माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 ऐसे चलेगा बेटा हमारा सिस्टम। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आई हो और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो बेटा, अब मैं कूलम्स लॉ के सवाल करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2-3 क्वेश्चन रोज प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। देखिए, आज हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों को सॉल्व कैसे करना है। एक प्रॉब्लम हमने ये कराई, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में रिपीट करिएगा, कहीं कोई समस्या आती है तो मुझसे क्लियर करिएगा। एक प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस की है, और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं। मतलब कुल मिलाकर 6 सवाल हम लोगों ने बनाए हैं। इन 6 के 6 प्रॉब्लम में अगर किसी में भी कोई डाउट आप लोगों को आता है, कहीं कोई समस्या आती है, डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो, वैल्यू नहीं रख पा रहे हो, तो हमसे संपर्क करो, हम आपको समझाएंगे कि कैसे डायरेक्शन निकालनी है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जाते हुए और नेगेटिव के पास आते हुए। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, नंबर 1 चार्ज और नंबर 2 डिस्टेंस। चार्ज अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूले में मत रखना उसे। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है, फॉर्मूले में उनका यूज हम लोग नहीं करते। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, ठीक है? तो ये हमारी कंडीशन रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई हो बात और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं बेटा हम कूलम्स लॉ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कूलम्स लॉ के हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, ठीक है? देखिए, ये है हमारे पास में ना एक प्रॉब्लम, ये है बेटा हमारे पास में। इन द फिगर 1.28, अ सेंट्रल पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज सराउंडेड बाय 2 सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल r। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल पार्टिकल ड्यू टू द अदर पार्टिकल। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके आपके सामने लेकर आते हैं। डायग्राम ये है बेटा हमारे पास में ना, यानी प्रॉब्लम में हमें कुछ ऐसा कह रखा है, यहाँ सेंटर में एक पार्टिकल रखा है माइनस क्यू। कुल मिलाकर इस पर कितना फोर्स काम करेगा आपको हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर रिंग की वजह से देख लेते हैं हम लोग। आप इनर रिंग को ना भूल जाइए, इस वाले को आप भूल जाइए एक सेकंड के लिए।
अब आउटर वाले को देखिए, बाहर वाले को, ठीक है, यहां कितना चार्ज है, प्लस के फोर क्यू, यहां कितना है, प्लस के फोर क्यू, तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। यहां कितना है, माइनस के सेवन क्यू, यहां कितना है, माइनस के सेवन क्यू, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। समझ आ रही है बेटा बात? ये कितना है, माइनस के टू क्यू, और ये कितना है, माइनस के टू क्यू। आउटर रिंग को देखना है, जो चार्ज आउटर रिंग पर है, बाहर की तरफ है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। यहां कितना है, माइनस के टू क्यू, और यहां कितना है, माइनस के टू क्यू, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये कंडीशन अभी तक हमारी है बेटा। अब आते हैं हम इनर रिंग पर, इनर रिंग पर, इनर में देखें कितने हैं। ये कितना है, प्लस टू क्यू, ये प्लस टू क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फोर्स काम करेगा एफ वन। यहां कितना है, प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां कितना है, माइनस, ये भी कितना है, माइनस, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा इधर, यानी इस तरफ जा रहे हैं दो फोर्स, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा और ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर जा रहे हैं दो फोर्स और इधर जा रहा है सिर्फ एक फोर्स। देखो ऊपर की तरफ कितना फोर्स जाएगा, 1/4πε0। यहाँ चार्ज कितना है, 2q, यहाँ चार्ज कितना है, q, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना बेटा आप लोगों की, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल r के इक्वल है, तो नीचे हो गया स्मॉल r स्क्वायर। ऊपर की तरफ इतना फोर्स जाएगा, ऊपर की तरफ जो हमारे पास में फोर्स जाएगा वो इतना फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ इतना। अब इधर देखते हैं कितना जाएगा, इधर देखते हैं कितना जाएगा, ध्यान से बात सुनिएगा। इसकी वजह से ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर। ये एक फोर्स है लेकिन ऐसे ऐसे ना दूर जा रहे हैं इधर, तो यहां टू लग जाएगा, यानी इस तरफ जा रहा है इतना फोर्स, इस तरफ जा रहा है इतना फोर्स, 1/4πε0 टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर की तरफ जा रहा है इतना फोर्स, 1/4πε0 टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर की तरफ भी इतना फोर्स जा रहा है और इस तरफ भी इतना फोर्स जा रहा है। इस तरफ दो कैसे चले गए, माइनस ने माइनस को रिपेल किया, इधर चला गया, इस प्लस ने माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये इधर चला गया। अब देखो जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, और इनके बीच में है 90 डिग्री का एंगल। जब सेम फोर्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट जाता है बीच में, और रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ 1/4πε0 टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लो बेटा इतना रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा सेंट्रल वाले पॉइंट के ऊपर, ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। इतना रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा सेंट्रल वाले पॉइंट के ऊपर, इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो आप लोगों को समझ आए हो, उनमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, ठीक है, और आप लोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कह रहा था सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आगे फर्दर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि धीरे धीरे लेवल आपका यहाँ से ना इंक्रीज होता जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम तो ये है आप लोगों के लिए, ट्राई करेंगे और कल की क्लास में मैं इसे सॉल्व कराऊँगा। पहले आप खुद से इसे ट्राई करेंगे, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओनली वो स्टूडेंट पहले खुद से इसे ट्राई करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन तो है ये, पॉज करके नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, ये एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन करिए।
बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, हम बाकी बात करेंगे।